आप सभी भाइयों को हाथ जोड़कर सबसे पहले राम राम। मेरे सोनीपत के अंदर से एक बीएसएफ का भाई जवान शहीद हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। वो जवान जो शहीद हुआ है, अगर आप उसकी डेड बॉडी या उसकी हालत देख लेते, मेरे हिसाब से जीवन में कोई फौज की नौकरी नहीं करता। वो हालत मेरे उस सोनीपत के जवान की थी। उसके शरीर को करंट लगा कर निर्दितिया से काट कर और क्या पता क्या क्या उसकी आंखें निकाल कर, मतलब इतनी बुरी हालत में था वो। उसके घर परिवार वाले, क्या गांव वाले, गवांड वाले, जिसने भी उसको देखा, देखने के बाद दोबारा देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये हालत हमारे जवान की, एक पाकिस्तान वाले कुत्तों ने की। हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने से पहले डेली हर स्टेज पर काम खुद सुनाया करते, ये बोलिया करता कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन एक पूछने वाली बात है, मैं खुद एक नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला एक भक्त हूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगता था भाई इससे अच्छा नेता, इससे अच्छा प्रधानमंत्री हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस प्रधानमंत्री ने हमारे लिए किया क्या है? सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, इसमें उसके भक्तों से भी पूछना चाहता हूं। वे भक्त यहां पर आकर बगाड़िया देंगे, यहां कमेंट में कुछ कुछ बोल लेंगे। मैंने पोस्ट देखी फेसबुक पर गे रहे हैं कि तेल बेशक 200 रुपए लीटर कर दो, वोट दूंगा मोदी को। भाई आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक काम करो, ये जो भक्त है इनके लिए 200 रुपए लीटर तेल कर दो, जो आम पब्लिक है भारत की उनके लिए 50 रुपया लीटर तेल कर दो। अपने आप पता लग जाएगा कौन सा भगत वो 200 रुपया गलवान वाला। उससे दूसरा, हमारा जो जवान शहीद हुआ है, ऐसे ही शहीद होते होते कितना टाइम हो गया, लगातार कितने एक बदले ले लिया आपने। प्रधानमंत्री साहब हमारी नजर में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, तभी आपको प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी ऐसे ही शहीद हो रहे थे। लेकिन आपकी सरकार आई, आपको चुना कि आप सबसे अच्छे आदमी हो। हकीकत में अच्छे हो, लेकिन कुछ अच्छापन करके तो दिखाओ कि हमारे को भी पता लगे, आगे हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाए कि आपने हकीकत में ये अच्छा काम किया। क्योंकि देश के जवान जो शहीद हो रहे हैं, सबकी ऐसे तो आस उम्मीद टूट जाएगी, आगे कौन फौज में लागना चाहोगा, कौन फौज की नौकरी करना चाहोगा। क्योंकि जो शहीद हो रहे हैं उनको ना ही तो कोई मदद मिल रही है, उनको झूठे चेक बांटे जा रहे हैं। ये पहले भी ये हुआ, झूठे चेक दे दिए नेताओं ने, फर्जी चेक, चेक बाउंस हो गए। एक मतलब फौजी आदमी यही उम्मीद लगाओगा सरकार से। जिस आदमी को आप घटिया गंदा सोचते हो, जिस आदमी के बारे में बुरा सोचते हो, जिस आदमी को पॉलिटिशियन मानते हो, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, मेरी नजर में कल से वो आदमी एक नंबर का अच्छी छवि वाला इंसान हो गया। उसका कारण बताऊं, सोनीपत के अंदर शहीद हुए भाई के घर पे आके 1 करोड़ रुपए की घोषणा, एक सरकारी नौकरी की घोषणा करके गया। अब आप बताओ अच्छा उनके लिए अरविंद केजरीवाल हुआ या नरेंद्र मोदी? कम से कम झूठे वादे, झूठे ढकोसले तो मत करो। अब ये मोदी भगत यहाँ पे उल्टा सुल्टा बोलेंगे, सबसे पहले मैं उनको उनसे यही जवाब मांगूंगा, एक काम करो भाई, आप पेट्रोल पंप पर जाकर 200 रुपए तेल डलवा करो और साथ में ये बोला करो कि मैं नरेंद्र मोदी का भगत हूं, मैं जितना तेल उतना नहीं दूंगा, मैं तो 200 में डलवाऊंगा। और आपके घर में कोई शहीद हो, घर पे बैठ के ये बात बोलना कि हमारे को एक भी रुपया नहीं चाहता, ना हमने कोई मदद चाहती, हमारा तो शहीद हो गया क्योंकि हम तो नरेंद्र मोदी के भक्त था। जब पता लगेगा आप कितने एक भक्त हो और कितने एक दिन ये भगताई कर सको हो। मेरे सभी साथियों से विनती है भाई, अगर बात आपको अच्छी लगे, बात आपको सच्ची लगे, ऊपर तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये नहीं पता कौन सी वीडियो किस नेता तक पहुंच जाए और किसका दिमाग बदलकर कुछ न कुछ अच्छा फैसला ले। राम राम, जय हिंद।